इस वीडियो में हम WhatsApp ब्रॉडकास्ट के बारे में सीखेंगे, इसकी क्या जरूरत है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं और मैसेज को ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। अब मान लीजिए कि आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं, तो आप किसी एक कॉन्टैक्ट को मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप एक ग्रुप या समूह को एक ही साथ मैसेज कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उस ग्रुप में हों, और आप एक से अधिक लोगों को मैसेज ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट क्यों करें, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, जब आप एक ग्रुप को मैसेज करते हैं और आपके मैसेज का कोई जवाब देता है तो वो मैसेज ग्रुप के सभी मेंबर्स को जाता है। लेकिन जब आप मैसेज को ब्रॉडकास्ट करते हैं और कोई जवाब देता है तो वो मैसेज सिर्फ आपको आता है, सबको नहीं। आइए सीख लेते हैं कि WhatsApp पर ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं। मैंने Samsung Galaxy S3 का इस्तेमाल किया है, जो एक Android फोन है। ये WhatsApp मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इसे खोल लेती हूँ। ये देखिए, WhatsApp खुल गया। अगर आपको ब्रॉडकास्ट करना है तो पहले आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी होगी या एक सूची बनानी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि आप सिर्फ उन लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल सकते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। आप किसी को बिना जाने या अनजान लोगों को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। आइए एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेते हैं। ये यहाँ पर नीचे मेन्यू पर क्लिक किया और अब ये देखिए, ये न्यू ब्रॉडकास्ट पर क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि ओनली कॉन्टैक्ट्स विद दिस नंबर इन देयर एड्रेस बुक विल रिसीव योर ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। इसका मतलब कि अगर इन लोगों ने आपका मोबाइल नंबर अपने फोन में डाला है तो ही वो आपके इस ब्रॉडकास्ट को रिसीव कर पाएंगे, उसे पा पाएंगे। आइए एक नई ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेते हैं, पर यहाँ आपकी लिस्ट में 256 या 256 लोग ही ऐड हो सकते हैं। ये WhatsApp ने एक लिमिट लगाई है। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नेम चुन लेते हैं, जैसे कि ये एक चुन लिया, फिर एक और चुन लेते हैं, ये एक और नाम चुन लिया, ये आ गया तीसरा नाम और ये हो गया चौथा नाम। तो ये चार नाम हमने अपनी WhatsApp लिस्ट में डाल दिए। यहाँ ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप नाम ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ये नंबर जो ऊपर है ये बदलते जाएगा। फिलहाल 256 में से 4 कॉन्टैक्ट्स ऐड हो चुके हैं, यानी कि आप 252 और भी डाल सकते हैं। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक लिस्ट में कितने लोग डालना चाहते हैं। अब हम ये क्रिएट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ये बन गई। आप यहाँ पर इस लिस्ट के मेंबर्स को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर अटैचमेंट पर क्लिक करके गैलरी में से कोई फोटो चुन सकते हैं, कोई वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो फाइल, अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं या फिर कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ नीचे भी एक कैमरा है, आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके एक फोटो ले सकते हैं या फिर आप एक ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। इधर क्लिक करके एक फोटो अटैच कर लेती हूँ। ये गैलरी में गए, ये कुछ फोटोज हैं जो मैंने कुछ दिन पहले खींची थी, तो मैं यहाँ पर एक फोटो चुन लेती हूँ और उस पर क्लिक करके उसे अटैच कर देती हूँ। ये देखिए, क्लिक किया और अब यहाँ पर लिख देते हैं बिग लिजर्ड और डन के बटन पर क्लिक किया और सेंड पर क्लिक किया, तो ये जो मैसेज है ये अब इस पूरी लिस्ट को ब्रॉडकास्ट हो गया होगा। अब इस लिस्ट को अगर एडिट करना हो तो कैसे करें? ये देखिए, यहाँ पर क्लिक किया, ये जो है यहाँ पर इस लिस्ट के मेंबर्स के नाम आ रहे हैं, लेकिन आप इस लिस्ट का एक नया नाम भी रख सकते हैं। ये देखिए, इधर क्लिक किया, एक मेन्यू सा खुल जाता है। यहाँ पर आप ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट इन्फो है, इस पर क्लिक कर दीजिए और अब ये ऊपर जहाँ लिखा है फोर रेसिपियंट्स, ये एडिट है, एडिट पर क्लिक किया। अब इस लिस्ट को एक नाम दे दीजिए, यहाँ लिख देती हूँ फैमिली और ओके पर क्लिक कर देती हूँ। अब आप आसानी से इस लिस्ट को पहचान पाएंगे।
आप अपनी फैमिली के लिए एक अलग लिस्ट बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए अलग लिस्ट, साथ काम करने वालों के लिए अलग लिस्ट बना सकते हैं। और अगर आपको इस लिस्ट में मेंबर्स ऐड करने हैं तो आप ये जो ऊपर एक आइकन बना है उधर क्लिक करके नए मेंबर्स किसी भी समय ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन गई और हमने इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक मैसेज भी भेज दिया। ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ भेज रहे होते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी ग्रुप में हम वो शेयर करें, किसी का जवाब बाकी ग्रुप के मेंबर्स देखें, ये हम नहीं चाहते। ऐसे में ब्रॉडकास्ट ही अच्छा रहता है जिससे कि जो भी लोग हैं जिनको आपका ये मैसेज मिला है वो आपके मैसेज का वन ऑन वन जवाब दे सकते हैं, आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और आपको एक एक करके सबको मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं, एक ही साथ आप मैसेज का प्रसारण या ब्रॉडकास्ट आराम से कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप भी ब्रॉडकास्ट करके देखिए। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस, स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सुझाव और सवाल मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। आपके इनकरेजमेंट या प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने WhatsApp ब्रॉडकास्ट के बारे में सीख लिया है। वीडियो पसंद आया तो YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।